ओके पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो जिस टाइम इस वीडियो को देख रहे हो उसके हिसाब से होप सो तुम लोग बहुत बढ़िया रहेंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छे हूँ। लास्ट क्लास हम सीपीएम पॉड शुरू किए थे। सीपीएम पॉड का कंस्ट्रक्शन ऑफ नेटवर्क कंसेप्ट हमारा डिस्कशन हो रहा था। कंस्ट्रक्शन ऑफ नेटवर्क में मैंने यही बताया था कि नेटवर्क कैसे ड्रॉ करोगे, फिर उसके बाद आरओ का करेक्ट वे क्या होता है, रॉन्ग वे क्या होता है, काफी सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं, फिर काफी एग्जांपल भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज के क्लास में हम और डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, फिर कुछ एग्जांपल देखेंगे, उसका नेटवर्क ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद हो सकता है अगर टाइम होगा तो हम क्रैशिंग का कॉन्सेप्ट को मूव कर सकते हैं। तो चलो शुरू करो आज के क्लास एग्जाम्पल के साथ। लिखो एग्जाम्पल, ड्रॉ ए नेटवर्क, एक नेटवर्क तुम्हें ड्रॉ करना होगा, ड्रॉ ए नेटवर्क। ओके लिखो एक्टिविटी प्रीसीडिंग, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई एफ जी, प्रीसीडिंग में लिखो डैश डैश ए सी बी डी ई एफ। चलो तुम्हारे सामने कुछ एक्टिविटी है, फिर उसका प्रीसीडिंग देखो, ये के लिए प्रीसीडिंग डैश मतलब डैश के आगे ए, तुम दो तरीके से रीड कर सकते हो। अगर इस तरीके से तुम रीड करोगे तो नेटवर्क बनाने में अच्छा इजी रहेगा। ये के पीछे डैश, देखो मैं ए हूं, मेरे पीछे कोई नहीं, डैश का मतलब कोई नहीं, तो मेरे पीछे कोई नहीं है, इसका मतलब एक मिनट थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है। देखो मैं ए हूं, मेरे पीछे डैश, इसका मतलब डैश के आगे ए है, तो ये इज द फर्स्ट एक्टिविटी, क्योंकि जिसके पीछे कोई नहीं है वो पहले आएगा। तो ए के पीछे डैश, बी के पीछे डैश, इसका मतलब ए एंड बी से नेटवर्क शुरू होगा, ए एंड बी से नेटवर्क शुरू होगा। तो चलो तुम नेटवर्क शुरू करो, ए एंड बी से नेटवर्क शुरू होगा, ठीक है। देखो ए बी, फिर रीड करो, सी के पीछे ए है, सी के पीछे ए है, इसका मतलब ए के आगे सी, तो ए के आगे सी, डी के पीछे ए, ए के आगे डी भी, अब ई के पीछे सी एंड बी, ई के पीछे सी एंड बी मतलब सी एंड बी के आगे ई, तो इधर तो सी यहां पे बी, ये दोनों को हम एक पॉइंट में खत्म करेंगे, क्योंकि सी एंड बी जब खत्म होगा उसके आगे ई चल होगा, तो इसीलिए हमें थोड़ा रीअरेंज करना पड़ेगा। अच्छा चलो इसको मैं डी बोल देता हूं, फिर इसको मैं हटा देता हूं। मैंने बोला था कि नेटवर्क हमेशा पेंसिल में तुम ड्रा करोगे पहले, इसको मैंने सी बोल दिया। अब देखो सी एंड बी, ये पॉइंट होगा तुम्हारा सी एंड बी, सी एंड बी के आगे ई है, सी एंड बी के आगे ई है, फिर कह रहा है डी एंड ई के आगे एफ, मतलब एफ के पीछे डी एंड ई। देखो इधर तो डी इधर ई, लेकिन ये दोनों खत्म हो गया तो एफ शुरू होगा, तो इसीलिए ये दोनों को हम एक पॉइंट में खत्म करना, मतलब एक पॉइंट में हम जोड़ेंगे, तो
तो ये हो जाएगा तुम्हारा ई। अब डी एंड ई के आगे एफ है, फिर एफ के आगे जी है, बस ये हो गया तुम्हारा नेटवर्क। बेटा नेटवर्क बनाना बहुत आसान होता है, नेटवर्क बनाना बहुत आसान होता है। अगर तुम अच्छे से नेटवर्क नहीं बनाओगे तो सीपीएम पॉट का क्वेश्चन तुम्हारा ठीक नहीं होगा। और सीपीएम पॉट सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है तुम्हारा ऑपरेशन मैनेजमेंट या ऑपरेशन रिसर्च के लिए, ठीक है। चलो और एक एग्जांपल लिखो। From the following information, draw a network. A information से तुम्हें एक network draw करो। Activity preceding. एक्टिविटी ए बी सी डी ई एफ जी प्रीसेडिंग में डैश डैश ए बी बी सी डी ई। चलो खुद बनाओ। ए के पीछे डैश, बी के पीछे डैश, तो ए बी, ए के पीछे डैश, बी के पीछे डैश, सी के पीछे ए, मतलब ए के आगे सी, डी के पीछे बी, मतलब ए के बी के आगे डी, आप बोलेंगे सर आप डी एंड सी को एक जगह में क्यों कनेक्ट किए, देखो इधर सी डी के आगे एफ होगा तो इसीलिए मुझे सी एंड डी को एक ही जगह में कनेक्ट करना होगा, जैसे कि इसके आगे एफ हो जाएगा। अच्छा फिर बी के आगे ई, फिर ई के आगे जी, तो नेटवर्क इधर खत्म होगा जी, ई के आगे जी, बस ये हो गया तुम्हारा नेटवर्क। नेटवर्क बहुत आसान होता है। ओके चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का हम मूव करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ डमी। लिखो इंट्रोडक्शन ऑफ डमी एक्टिविटी। देखो ये डमी क्या होता है, फिर कब डमी एक्टिविटी इंट्रोडक्शन होगा उसके डिटेल में अभी डिस्कशन करने जा रहा हूं। तो पहले लिखो डमी एक्टिविटी का मतलब क्या होता है। तो लिखो डमी मींस एन एक्टिविटी व्हिच does not consume any productive time। एक ऐसा एक एक्टिविटी है जो कुछ भी प्रोडक्टिव टाइम कंज्यूम नहीं करेगा, उसको कहते हैं डमी एक्टिविटी। ओके एंड कॉस्ट, अगर टाइम कंज्यूम नहीं करेगा तो ऑब्वियसली कॉस्ट भी कंज्यूम नहीं करेगा। अगर टाइम कंज्यूम नहीं करेगा तो ऑब्वियसली कॉस्ट भी नहीं आएगा। डमी मींस एन एक्टिविटी व्हिच डज नॉट कंज्यूम एनी प्रोडक्टिव टाइम एंड कॉस्ट, फुल स्टॉप। इन ए नेटवर्क डमी एक्टिविटी विल बी रिप्रेजेंटेड
बाय डॉटेड लाइन, ऐसे। हम अगर नॉर्मल लाइन खींचेंगे तो वो एक्टिविटी हो जाएगा, अगर हम डॉटेड लाइन खींचेंगे तो वो डमी एक्टिविटी कहलाएगा। अगर तुम नेटवर्क यूज कर, नेटवर्क में डॉटेड लाइन यूज कर रहे हो तो डायरेक्टर या टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव अपने आप समझ जाएगा कि ये डमी एक्टिविटी है। ओके, नेक्स्ट लाइन आरो देख लिखो, इट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड टू मेंटेन प्रीसीडिंग ऑन सक्सेडिंग रिलेशनशिप। हम डमी एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करेंगे टू मेंटेन प्रीसीडिंग एंड सक्सेडिंग रिलेशनशिप, मतलब प्रीसीडिंग एंड सक्सेडिंग रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए हम डमी एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करेंगे। देयर आर टू केसेस वेयर डमी कैन बी इंट्रोड्यूस। दो केस है जहां हम डमी इंट्रोड्यूस करेंगे, मतलब मनमर्जी डमी इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। दो सिचुएशन है जहां पे हम डमी इंट्रोड्यूस करेंगे, तो ठीक है चलो उसको डिस्कशन करते हैं। केस वन, लिखो, हुयर टू एक्टिविटी हैविंग सेम टेल एंड सेम हेड विथ डिफरेंट अच्छा ठीक है विथ डिफरेंस कंजप्शन ऑफ टाइम, इसको ब्रैकेट में लिखो, विथ डिफरेंट कंजप्शन ऑफ टाइम। इसका मतलब ये थोड़ा रेफरेंस वाला पॉइंट, डिफरेंट कंजप्शन टाइम हो या नहीं हो, डिफरेंट कंजप्शन ऑफ टाइम हो या ना हो, हम डमी इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, इसका मतलब जो मेन पॉइंट में कह रहा हूं उसको समझो। When two activity having same tail and same head, when two activity having same tail and same head, अगर दो activity same tail and same head, मैंने आपको बताया था कि tail event क्या होता है, head event क्या होता है, तो tail event मतलब जहां एक activity शुरू होगा, head event का मतलब जहां पे एक activity खत्म होगा। अगर दो event का starting point same, एंडिंग पॉइंट सेम, इसका मतलब दो एक्टिविटी का टेल इवेंट एंड हेड इवेंट सेम। व्हेयर टू एक्टिविटी हैविंग सेम टेल एंड सेम हेड, देन इन ऑर्डर टू मेंटेन द रिलेशन, इन ऑर्डर टू मेंटेन द रिलेशन वी शुड इंट्रोड्यूस डमी। तुम चेक करोगे अगर दो एक्टिविटी का सेम टेल होगा, सेम हेड होगा, तो डमी इंट्रोड्यूस होगा। अगर दो एक्टिविटी का सेम टेल होगा, सेम हेड होगा, तो डमी इंट्रोड्यूस होगा। चलो उसके लिए एक एग्जांपल लिखो, टास्क प्रीसीडिंग, उसके लिए एक एग्जांपल लिखो, टास्क फिर प्रीसीडिंग एक्टिविटी। तो टास्क में लिखो ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ जी। प्रीसीडिंग में लिखो डैश डैश बी फिर बी फिर बी फिर ई
तो ABC नेटवर्क ड्रॉ करो। नेटवर्क ड्रॉ करो। देखो ए के पीछे डैश, बी के पीछे डैश, तुम पहले देखो, वेट करो, फिर उसके बाद लिखोगे। ए के पीछे डैश, बी के पीछे डैश, इसका मतलब ए एंड बी इज द स्टार्टिंग इवेंट। ए एंड बी इज द स्टार्टिंग इवेंट, मतलब स्टार्टिंग एक्टिविटी। अब सी के पीछे बी, सी के पीछे बी, तो बी के आगे सी, तो ये चलो B के आगे C हो गया। फिर D के पीछे B, मतलब B के आगे D, B के आगे D। अच्छा, इसका मतलब तुम ये चेक कर सकते हो, D का टेल इवेंट सेम हो गया। दिस पॉइंट इज द टेल इवेंट ऑफ C एंड D, दिस पॉइंट इज द टेल इवेंट ऑफ C एंड D। इसका मतलब C एंड D का टेल इवेंट सेम हो गया। अगर क्वेश्चन सी एंड डी का हेड इवेंट भी सेम रख देगा तो इसका मतलब हम डमी इंट्रोड्यूस करेंगे। अच्छा, अभी तो मैं सी एंड डी का हेड इवेंट अलग अलग जगह में रखा हूं, क्योंकि आगे मुझे पता नहीं कि सी एंड डी को एक पॉइंट में कनेक्ट करना होगा, लेकिन वो दोनों शुरू होगा एक पॉइंट से, क्योंकि बी खत्म होगा तो सी भी शुरू होगा, बी खत्म होगा तो डी भी शुरू होगा। फिर उसके बाद देखो, अब देखो B के आगे E भी, B के आगे E भी, चलो ये तो नहीं होगा, इसको हम और एक बार लिखेंगे अच्छे से। ठीक है, फिर देखो F के पीछे C, मतलब C के आगे F, नहीं वो C नहीं, शायद E होगा, चेक करो। हाँ, E के आगे F, क्योंकि F के पीछे E। अब देखो A, D एंड C के आगे G, क्योंकि G के पीछे A, D, C रहेगा। देखो ये तो तुम्हारा A, हाँ ये तुम्हारा C, हाँ ये तुम्हारा D। क्या कह रहा है, A, D, C, A, D, C, ये तीनों के आगे G रहेगा। इसका मतलब हमें ये तीन पॉइंट को एक ही पॉइंट में खत्म करना होगा। तुम वेट करो,
ये नहीं हो सकता है क्योंकि सी का सेम इवेंट और टेल इवेंट सेम हो रहा है। सी बी के बाद शुरू होता, डी भी बी के बाद शुरू होता, मतलब सी एंड बी का टेल इवेंट सेम हो गया था। अब सी एंड डी एक ही जगह में खत्म करना होगा क्योंकि सी एंड डी एंड ए के बाद जी होगा, तो इसीलिए सी एंड डी ऐसे नहीं हो पाएगा। यहां पे हमें डमी इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा, यहां हमें डमी इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा। चलो ये मेरा सी, ये मेरे लिए डी, लेकिन इधर से इधर एक डॉटेड लाइन जाएगा, ये हो गया डमी। डी तो इधर खत्म हो रहा है लेकिन नेटवर्क के लिए डी यहां आ रहा है, डी के जी हो जाएगा। डी सी एंड ए के आगे जी, क्योंकि जी इज द लास्ट एक्टिविटी, तो जी एंड एफ विल कनेक्ट एट सेम पॉइंट। तो ये रहा तुम्हारा डमी इंट्रोडक्शन। क्या ये कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आया कि हाँ सर डमी इस सिचुएशन में इंट्रोडक्शन होगा? अच्छा, अगर तुम डी को डॉटर लाइन देके इधर कनेक्ट नहीं करोगे तो सेम इवेंट सेम मतलब सेम टेल सेम हेड हो रहा है, तो सेम टेल सेम हेड होगा तो तुम्हारा नेटवर्क गलत हो जाएगा। तो जहां पे भी सेम हेड सेम टेल होगा तो वहां तुम्हें डमी इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, देखो डमी इंट्रोडक्शन होगा, डमी नहीं इंट्रोड्यूस करोगे तो तुम्हारा नेटवर्क आगे नहीं जा सकता है। फिर बिना डमी में तुम्हारा नेटवर्क हो सकता है लेकिन तुमने डमी इंट्रोड्यूस कर लिया जान पूछ के, तुम्हारा नेटवर्क गलत हो जाएगा। इसका मतलब डमी अगर सच में इंट्रोडक्शन होना है तो तुम इंट्रोड्यूस करोगे, ऐसे मन मर्जी डमी अगर इंट्रोड्यूस करोगे तुम्हारा नेटवर्क गलत हो जाएगा, ऐसे मन मर्जी अगर तुम डमी इंट्रोड्यूस करोगे तो तुम्हारा नेटवर्क गलत हो जाएगा। क्या मेरे बात तुम्हें समझ में आ रहा है? बोलो यस और नो। यस सर। अब लिखो टाइप टू डमी। टाइप वन डमी क्या था? इफ टू इवेंट हैविंग सेम टेल एंड सेम हेड देन वी विल इंट्रोड्यूस डमी। अब टाइप टू वाला डमी लिखो। इफ वन एक्टिविटी अक्यूर्स, लिखो नोट्स पहले। इफ वन एक्टिविटी अक्यूर्स मतलब एक एक्टिविटी आ रहा है टू टाइम्स इन प्रीसीडिंग कॉलम, पहले नोट्स लिखो फिर उसके बाद मैं समझाऊंगा। इफ वन एक्टिविटी अक्यूर्स टू टाइम, इफ वन एक्टिविटी अक्यूर्स टू टाइम इन प्रीसीडिंग एक्टिविटी कॉलम, मतलब एक एक्टिविटी प्रीसीडिंग कॉलम में दो बार आ रहा है। अच्छा, ये जो एग्जांपल मैंने डिस्कशन किया था उसको एक बार देखो। प्रीसीडिंग में बी तीन बार आ रहा है। अच्छा, अब बोलेंगे सर क्या इधर डमी इंट्रोड्यूस होगा? नहीं, दो बार या तीन बार आने से कुछ नहीं होगा, लेकिन जो दो बार आ रहा है या तीन बार आ रहा है उसका इफेक्ट देखो। इफ वन एक्टिविटी अक्यूर्स टू टाइम इन प्रीसीडिंग एक्टिविटी, वन टाइम सेपरेटली मतलब अकेला आ रहा है, वन टाइम सेपरेटली मतलब अकेला आ रहा है, एंड नेक्स्ट टाइम अलोंग विथ द अदर एक्टिविटी, मतलब प्रीसीडिंग में दो बार आ रहा है, पहले अकेला आ रहा है फिर उसके साथ किसके साथ मिलकर आ रहा है। ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया था इसमें भी तीन बार आ रहा है प्रीसीडिंग कॉलम में, लेकिन तीन बार अकेला आ रहा है, क्या नेक्स्ट टाइम किसके साथ मिलकर आ रहा है? क्या नहीं? तो इसीलिए टाइप टू डमी इधर इंट्रोडक्शन नहीं होगा। पहले नोट्स को कंप्लीट करो। इफ वन एक्टिविटी अक्यूर्स टू टाइम इन प्रीसीडिंग एक्टिविटी, इफ वन एक्टिविटी अक्यूर्स टू टाइम इन प्रीसीडिंग एक्टिविटी, वन टाइम सेपरेटली एंड नेक्स्ट टाइम अलोंग विथ अदर एक्टिविटी, एंड नेक्स्ट टाइम अलोंग विथ अदर एक्टिविटी, देन इन ऑर्डर टू मेंटेन प्रीसीडिंग एंड सक्सेडिंग रिलेशनशिप, देन इन ऑर्डर टू मेंटेन प्रीसीडिंग एंड सक्सेडिंग रिलेशनशिप वी हैव टू इंट्रोड्यूस डमी। इसका मतलब तुम प्रीसीडिंग कॉलम को चेक करोगे, मतलब प्रीसीडिंग कॉलम वाला एक्टिविटी को चेक करोगे, अगर प्रीसीडिंग कॉलम एक्टिविटी में ऐसा है कि एक्टिविटी होगा जो पहले एक बार आएगा मतलब सेपरेटली बाय इंडिविजुअली आएगा, फिर उसके बाद किसके साथ मिलके आएगा, तो डमी इंट्रोडक्शन होगा, लेकिन वो डमी हो जाएगा हमारा टाइप टू डमी। बोलो दो केस में डमी इंट्रोडक्शन हो सकते हैं, दो केसेस में डमी इंट्रोडक्शन हो सकता है। केस वन,
कोई भी दो एक्टिविटी का अगर सेम टेल सेम हेड होगा तो डमी इंट्रोडक्शन होगा। केस टू एक प्रीसीडिंग एक्टिविटी सेपरेट मतलब इंडिविजुअल एक बार इंडिविजुअल आ रहा है फिर और एक बार किसी के साथ आ रहा है तो उस वक्त भी हमें डमी इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा। एग्जाम्पल लिखो, इस एग्जाम्पल को कॉपी करो फटाफट। एक्टिविटी में लिखो ए बी सी डी, प्रीसीडिंग एक्टिविटी में डैश डैश बी ए बी। एक्टिविटी में लिखो ए बी सी डी, प्रीसीडिंग एक्टिविटी में लिखो डैश डैश बी ए बी। चेक करो पहले प्रीसीडिंग कलम को चेक करो, बी अकेला आ रहा है फिर उसके बाद बी ए के साथ आ रहा है प्रीसीडिंग में। प्रीसीडिंग एक्टिविटी को चेक करो, बी अकेला आ रहा है हाँ सर, फिर बी ए के साथ मिलके आ रहा है, इसका मतलब इधर हम डमी इंट्रोड्यूस करेंगे लेकिन टाइप टू डमी, टाइप वन डमी नहीं। अब बोलेंगे सर टाइप टू डमी, डमी के लिए तुम डटेड लाइन यूज करोगे लेकिन दो केसेस में डमी इंट्रोडक्शन हो सकता है, एक होता है टाइप वन डमी सेम टेल सेम हेड, दूसरा होता है टाइप टू डमी व्हेन एन एक्टिविटी कम्स इन प्रीसीडिंग कॉलम टू टाइम्स, वन इज सेपरेटली इंडिविजुअली एंड द नेक्स्ट टाइम अलोंग विद द अदर, देन इन दिस केस वी विल इंट्रोड्यूस डमी। चेक करो हियर डमी विल बी इंट्रोड्यूस्ड बिकॉज फर्स्ट टाइम बी कम्स इंडिविजुअली, बिकॉज फर्स्ट टाइम बी कम्स इंडिविजुअली एंड नेक्स्ट टाइम बी कम्स अलोंग विद ए। तो पहला बार बी अकेला आ रहा है फिर उसके बाद बी ए के साथ आ रहा है तो डमी इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा, डमी इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा। चलो इसका नेटवर्क ड्रा करो। देखो ए के बाद डैश बी, मतलब ए के पीछे डैश बी के पीछे डैश, ए बी फिर सी के पीछे बी, मतलब बी के आगे सी। अब ए एंड बी के आगे डी, ए एंड बी के आगे डी, देखो यहां पे तो ए इधर तुम्हारा बी, ए एंड बी के आगे डी, तो इसका मतलब ए बी एक ही पॉइंट से शुरू हो रहा है। अब हमें ए एंड बी को एक ही जगह में खत्म करना है लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ए बी सेम पॉइंट में शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब यहां पे डमी यूज करेंगे। तो डमी यूज करेंगे, देखो अगर तुम ऐसे डमी यूज करोगे इसका मतलब ए तो इधर खत्म हो रहा था लेकिन अब डमी के द्वारा ई ए इधर आ गया, अब सी शुरू होगा, इसका मतलब ए हो जाएगा कि दिस पॉइंट विल बी बी एंड ए, दिस पॉइंट विल बी बी एंड ए, बी एंड ए के बाद सी होगा लेकिन बी के बाद तो सी होगा, बी एंड ए के बाद सी नहीं होगा, बी एंड ए के बाद डी होगा। आप बोलेंगे सर हम ऐसे डी कर देंगे, ये हो गया बी एंड ए के बाद डी। देखो बेटा ऐसे करोगे तो डी तो हो रहा है ए एंड बी के आगे लेकिन सी भी हो रहा है ए एंड बी के आगे, तो इसीलिए डमी ऐसे यूज नहीं होगा। हम डमी के लिए ऐसे यूज करेंगे, दिस इज ए दिस इज बी, ठीक है, बी के आगे सी, डी। चेक करो डमी बी से जाके ए में आर दिया जाएगा, इसका मतलब ए डमी के द्वारा ए भी हो जाएगा बी, ए बी के आगे डी लेकिन ये बी कहलाएगा बी के आगे सी क्योंकि डमी का लाइन बी से शुरू हुआ ए में खत्म हुआ, डमी का लाइन बी से शुरू हुआ ए से खत्म हुआ व ए में खत्म हुआ, तो इसीलिए ये ऐसे जाएगा।
ठीक है। चलो अच्छे से बनाते हैं। अब तुम देखो, मैं थोड़ा बड़ा साइज में बनाते हैं। ए बी सी डी, बस ये होगा तुम्हारा नेटवर्क। एग्जाम्पल को कॉपी करो। हो गया। चलो इसका नेटवर्क बनाते हैं। देखो ए के पीछे डैश, बी के पीछे डैश, ए के पीछे डैश, बी के पीछे डैश, सी के पीछे ए, मतलब ए के आगे सी, डी के पीछे बी, मतलब बी के आगे डी। अच्छा पहले एक बार क्वेश्चन को देखो, डमी लगेगा या नहीं लगेगा। देखो डी एक बार अकेला आ रहा है, फिर डी एक बार सी के साथ आ रहा है, डी एक बार अकेला आ रहा है, फिर डी एक बार सी के साथ आ रहा है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में टाइप टू डमी लगेगा। तो टाइप टू केस, डमी का टाइप टू केस है। चलो बी के आगे डी, बी के आगे डी, बी के आगे डी, अब सी डी दोनों के आगे ई होगा। देखो इधर सी खत्म हो रहा है, इधर डी खत्म हो रहा है, सी एंड डी दोनों के आगे ई। अगर तुम ऐसे कर दोगे, अगर तुम ऐसे कर दोगे कि सर सी एंड डी ये दोनों के आगे ई, तो हम एक काम करेंगे, क्यों सी एंड डी को एक जगह में कनेक्ट नहीं करेंगे। हाँ चलो कनेक्ट तो कर लिया, ए हो गया सी एंड डी, उसके आगे हो जाएगा क्या ई। अच्छा फिर कह रहा है डी के आगे एफ, फिर कह रहा है डी के आगे एफ, तो डी तो तुम्हारा ई पे, तो डी के आगे एफ क्योंकि एफ के पीछे डी, एफ का प्रीसीडिंग एक्टिविटी डी। अगर तुम डी के आगे एफ करोगे तो एफ के पीछे सी एंड डी दोनों हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट तुम्हारा सी एंड डी दोनों का, तो इसीलिए ये नेटवर्क तुम्हारा गलत हो जाएगा। तुम डी एंड सी को एक जगह में खत्म नहीं कर सकते हो, यहां पे तुम्हें डमी इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा। ये हो गया तुम्हारा डी। अब देखो डमी के द्वारा डी इधर जा रहा है, तो ये हो जाएगा सी के आगे, फिर डमी के द्वारा डी के आगे ई, लेकिन डी इधर ही खत्म हो रहा है, डमी के लिए वो इधर जा रहा है। अच्छा अब देखो डी के आगे एफ, डी के आगे एफ, अच्छा फिर देखो ई के आगे जी, ये तुम्हारा जी, ई के आगे जी, फिर एफ के आगे एच, बस ये हो गया तुम्हारा इंट्रोडक्शन ऑफ डमी।
बोलो एग्जांपल समझ में आया, यस और नो? यस सर। चलो और एक एग्जांपल लिखो। एक्टिविटी रिसीविंग, एक्टिविटी में लिखो ए बी सी डी ई एफ जी, प्रीसीडिंग में लिखो डैश फिर डैश फिर डैश 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 ए बी फिर ए बी फिर सी डी ई फिर सी डी ई। जरा इस एग्जांपल को अच्छे से देखो, जरा इस एग्जांपल को अच्छे से देखो। एक्टिविटी ए बी सी डी ई एफ जी, प्रीसीडिंग में डैश 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 ए बी सी डी ई सी डी ई। देखो बी दो बार आ रहा है ए के साथ, बी दो बार आ रहा है एक ए के साथ, डी एंड ई। अच्छा तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि सर ए भी दो बार आ रहा है बी के साथ। हाँ, अब सी डी ई ये तीनों दो बार आ रहे तो चलो नेटवर्क ड्रा करते हैं, अगर जरूरत होगा तो हम डमी इंट्रोड्यूस करेंगे। देखो ए के पीछे डैश, बी के पीछे डैश, सी के पीछे डैश, यानी ये तुम्हारा हो जाएगा ए, ए हो जाएगा तुम्हारा बी, ए हो जाएगा तुम्हारा सी। अब देखो ए एंड बी ये दोनों को, दोनों के आगे डी, ए एंड बी, ए एंड बी ये दोनों के आगे डी, ए एंड बी, तो डमी तो इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा। तुम यहां से यहां ले भी सकते हो, बी से ए तक भी ले सकते हो, ये दोनों के आगे डी होगा, ठीक है। अब देखो फिर ए एंड बी ये दोनों के आगे ई, अब देखो सी सी इधर सी, डी इधर डी, ई सी डी ई, ये तीनों के आगे एफ। देखो सी एंड ई को मैं एक ही पॉइंट में कनेक्ट कर सकता हूं, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगा, लेकिन डी एंड ई को एक ही पॉइंट में मैं कनेक्ट नहीं कर सकता हूं, तो इसीलिए तो एक काम करो, मैं सी को यहां ले लेता हूं, यहां से लेके वहां कनेक्ट कर देता हूं, ये हो गया मेरा सी। हाँ टर्न तो हो सकता है ना, टर्न तो हो सकता है लेकिन कर्व नहीं लिखोगे। अच्छा फिर डी को मैं इधर ले आता हूं डमी के द्वारा, सो दैट अब शुरू हो सकता है एफ, इसका मतलब ए पॉइंट सी एंड डी, सॉरी सी एंड ई, डी डमी के द्वारा। अच्छा अब देखो फिर सी डी ई के, सी डी ई के आगे जी होगा। देखो सी डी ई के, सी डी ई ए पॉइंट आगे जी होगा, तुम एफ एंड जी को एक ही पॉइंट में कनेक्ट नहीं कर सकते हो, मतलब एंड नहीं कर सकते, क्योंकि एफ एंड जी एक ही पॉइंट से शुरू हो रहा है, तो अगर दो एक्टिविटी एक ही पॉइंट से शुरू होगा वो एक ही पॉइंट में खत्म नहीं हो सकता है, तो इसीलिए एफ एंड जी को मैंने अलग अलग दिखाना पड़ेगा। फिर भी नेटवर्क हमेशा एक ही जगह में खत्म हो रहा है, होता है नेटवर्क हमेशा एक ही जगह में खत्म होता है, तो इसीलिए हम इसको डमी के द्वारा क्लोज करेंगे, इसीलिए इसको हम डमी के द्वारा क्लोज करेंगे। मैंने जी से लेके एफ में आरो दिया, तुम एफ से लेकर जी में भी आरो दे सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रूल फॉलो करना पड़ेगा, तुम्हें डमी इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा सही तरीके से।
चलो ये हो गया तुम्हारा इंट्रोडक्शन ऑफ डमी वाला कंसेप्ट। ओके एक नेक्स्ट कंसेप्ट लिखो, व्हाट इज क्रिटिकल पाथ। व्हाट इज क्रिटिकल पाथ, देखो जो तीन पॉइंट लिखा हुआ है पहले उसको लिख लो, फिर उसके बाद हम समझेंगे कि एक क्रिटिकल पाथ क्या होता है। फाइंड आउट ऑल पॉसिबल पाथ, फाइंड आउट ऑल पॉसिबल पाथ। फिर बोला कैलकुलेट ड्यूरेशन ऑफ ऑल पॉसिबल पाथ, कैलकुलेट ड्यूरेशन ऑफ ऑल पॉसिबल पाथ। फिर उसके बाद पाथ हैविंग लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन इज क्रिटिकल पाथ, पाथ हैविंग लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन इज क्रिटिकल पाथ। अब बोलेंगे सर ये पाथ क्या होता है, ड्यूरेशन क्या होता है, फिर पास्ट पाथ हैविंग लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन इज क्रिटिकल पाथ। चलो ये पॉइंट हो गया, तो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि ये क्रिटिकल पाथ क्या होता है। देखो मान लो मेरा नेटवर्क ऐसा है, मान लो हमारा नेटवर्क ऐसा है, बस दिस इज ए नेटवर्क, ये एक्टिविटी तुम्हें 6 दिन लगता है, मतलब ये एक एक्टिविटी होता है, ये एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए तुम्हें 6 दिन का टाइम लगता है, बी एक एक्टिविटी होता है उसको कंप्लीट करने के लिए तुम्हें 7 दिन का टाइम लगता है, सी एक एक्टिविटी है उसको कंप्लीट करने के लिए तुम्हें 4 दिन का टाइम लगता है। क्योंकि मैंने पहले से बताया था कि एक्टिविटी का मतलब किसी भी एक काम जो टाइम कंज्यूम करता है, ऑब्वियसली टाइम कंज्यूम करेगा इसका मतलब कॉस्ट भी आएगा। डी एक काम है जो 3 दिन लगता है, एफ 6 दिन, जी 8 दिन, एच 7, ई 9। तो तुम एक काम करो, पहले ऑल पॉसिबल पाथ ढूंढो। पॉसिबल पाथ का मतलब इधर से प्रोजेक्ट शुरू होगा, यहां पे खत्म होगा, तुम यहां से यहां तक जाने के लिए मतलब जिस प्रकार से तुम जा सकते हो चलो, मतलब देखो हम इसी रूट में भी जा सकते हैं, हम इसी रूट में भी जा सकते हैं, मतलब शुरू से एकदम लास्ट तक चलो, जितना भी रूट होगा सारे रूट को ढूंढो। तो मैं पहले लिख रहा हूं कि पॉसिबल पाथ, ठीक है, फिर उसके बाद ड्यूरेशन, पॉसिबल पाथ, पॉसिबल पाथ के साथ ड्यूरेशन। चलो पॉसिबल पाथ बोलो, मैंने प्रोजेक्ट का बिगनिंग पॉइंट से प्रोजेक्ट का एंड पॉइंट तक जाना है, पॉसिबल पाथ क्या होगा, ए एस सी एफ। अच्छा अगर मैं ए पाथ में जाऊंगा, ए एफ सी सी के बाद एफ, तो मुझे कितना दिन लगेगा, 6 + 4 + 6 = 16 days लगेगा। फिर बी ई एच, बी ई एच कितना दिन लगेगा, 7 + 9 + 7 = 23। फिर उसके बाद बी, बी से डी, डी से जी कितना दिन लगेगा, 7 + 3 + 8 ये हो रहा है तुम्हारा 18 days। मैंने ऑल पॉसिबल पाथ ढूंढ लिया, फिर उसका ड्यूरेशन भी कंप्यूट कर लिया। क्या तुम देख सकते हो 23 इज द हाईएस्ट, हाँ 23 इज द हाईएस्ट, तो इसका मतलब 23 इज माई प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, 23 इज माई प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। क्या लिखे थे स्टेम में देखो एक बार,
फाइंड आउट ऑल पॉसिबल पाथ, कैलकुलेट ड्यूरेशन ऑफ ऑल पॉसिबल पाथ, पाथ हैविंग लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन इज क्रिटिकल पाथ। तो इसका मतलब प्रोजेक्ट सॉरी पाथ हैविंग लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन, तो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन कितना हो रहा है 23, तो 23 हो जाएगा हमारा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, 23 हो जाएगा मेरा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। अब लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन मतलब क्रिटिकल पाथ होगा BEH, जो क्रिटिकल पाथ होगा उसको हम डबल लाइन खींचेंगे BEH, क्रिटिकल पाथ को हमेशा डबल लाइन में शो करते हैं। क्रिटिकल पाथ हमेशा डबल लाइन में शो किया जाता है क्योंकि हम नेटवर्क देख के हमें पता चलेगा कि ये हमारा क्रिटिकल पाथ, तो क्रिटिकल पाथ हो जाएगा BEH, ठीक है। तो इसको कहते हैं क्रिटिकल पाथ, पॉसिबल पाथ एंड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, इसको कहते हैं क्रिटिकल पाथ, पॉसिबल पाथ एंड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। बात समझ में आया, बोलो यस और नो। यस सर। चलो थोड़ा कुछ बेसिक टर्म समझते हैं इस एग्जांपल से। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन देखो, इसका मतलब पहले समझो, एक काम करने के लिए कितना दिन लगेगा, बोलो 6 दिन। सी काम करने के लिए 4 दिन लगेगा, एफ काम करने के लिए 6 दिन लगेगा। फिर तुम ये देख रहे हो कि सी शुरू होगा एक खत्म होने के बाद, सी शुरू होगा एक खत्म होने के बाद, ठीक है। इसका मतलब मैं आज मैंने ए शुरू किया, तो आज से 6 दिन के बाद, आज से 6 दिन के बाद मैं सी शुरू करूंगा। सी 6 दिन से पहले शुरू नहीं हो सकता है क्योंकि हमारा रूल क्या है, ए के बाद सी शुरू होगा, तो ए को खत्म करने के लिए तुम्हें 6 दिन का टाइम लगेगा, तो 6 दिन से पहले सी शुरू नहीं हो सकता है। ए होगा इसका इंटरप्रिटेशन, ए होगा इसका इंटरप्रिटेशन। चलो क्या ऐसा रूल है क्या, मतलब तुम्हें ऐसा लगता है कि ए के बाद बी शुरू होगा? नहीं, क्योंकि ए एंड बी ये साइमल्टेनियस एक्टिविटी, ए एंड बी साइमल्टेनियसली शुरू हो सकते हैं। मतलब आज ए भी शुरू हुआ, आज बी भी शुरू हुआ, तो आज आज से ए खत्म करने के लिए 6 दिन का टाइम लगेगा, बी खत्म करने के लिए 7 दिन का टाइम लगेगा। जब बी खत्म हो जाएगा तब डी एंड ई ये दोनों शुरू हो सकता है। नेटवर्क देख के पहले समझो, नेटवर्क को ऐसे इंटरप्रिटेशन करते हैं, जब बी खत्म हो जाएगा तो तुम डी एंड ई साइमल्टेनियसली शुरू कर सकते हो, जब बी खत्म हो जाएगा तब तुम डी एंड ई को साइमल्टेनियसली शुरू कर सकते हो, ठीक है, ओके। तो बी के लिए तुम प्रिपेयर होगे आज के बाद कितने दिन के बाद, मतलब आज से 7 दिन के बाद बी के लिए तुम प्लानिंग करो, आज से 7 दिन के बाद तुम ई के लिए प्लानिंग करो, लेकिन आज से 6 दिन के बाद तुम सी के लिए प्लानिंग करो। सी में कितना दिन लगेगा सर? 4 दिन। इसका मतलब सी खत्म होगा तो एफ शुरू होगा, तो एफ के लिए तुम आज से 10 दिन के बाद प्लानिंग करो, क्योंकि आज से 10 दिन के बाद एफ शुरू होगा। बात मेरे समझ में आ रहा है? बोलो यस और नो। अच्छा, फिर मैनेजमेंट तुम्हें पूछा कि ये प्रोजेक्ट कितने दिन में खत्म होगा, आप बोलेंगे सर प्रोजेक्ट 23 दिन में खत्म होगा। हाँ, चाहे ए 6 दिन में खत्म हो जाएगा, सी 4 दिन में खत्म हो जाएगा, एफ 6 दिन में खत्म हो जाएगा, तो इसका मतलब ये 16 दिन लगेगा ए सी एंड एफ को खत्म करने के लिए। लेकिन क्या हुआ, बी ई एच ये तो एक पाथ है ना, जब तक एच खत्म नहीं होगा तब तक तो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा, तो इसका मतलब पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के लिए मुझे 23 डेज लगेगा। अच्छा, तो टॉप एग्जीक्यूटिव्स यही सोचेंगे कि अगर अगले प्रोजेक्ट लेना है,
अगर अगले प्रोजेक्ट लेना है या नेक्स्ट प्रोजेक्ट लेना है तो आज के बाद आज से 23 डेज के बाद हम प्लानिंग करेंगे कि 23 अभी तो हमारा जो भी वर्कर है जो भी मशीन है 23 दिन के लिए वो एंगेज रहेंगे यहाँ, क्योंकि ये प्रोजेक्ट 23 डेज के बाद खत्म होगा। तो अगले प्रोजेक्ट का प्लानिंग मैं कब से शुरू कर सकता हूँ, अब अगले प्रोजेक्ट के लिए मैं प्लानिंग कब से शुरू कर सकता हूँ? सर अगले प्रोजेक्ट के लिए आप प्लानिंग 24th डे से शुरू कर सकते, मतलब आज से 23 डेज ये प्रोजेक्ट चलेगा, उसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए आप प्लानिंग कर सकते। ये होता है प्रोजेक्ट का इंटरप्रिटेशन, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन का इंटरप्रिटेशन, प्रोजेक्ट मतलब पॉसिबल पाथ का इंटरप्रिटेशन। क्या मेरे बात समझ में आ रहा है? बोलो यस और नो। यस सर। चलो नेटवर्क का एनालिसिस खत्म हो गया, नेटवर्क एनालिसिस हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास से हम लोग शुरू करेंगे क्राइसिंग, फिर क्राइसिंग के बाद हम फ्लोट कैलकुलेशन करेंगे, पॉट कैलकुलेशन करेंगे, बस ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। लेकिन इंटर में, क्योंकि मैंने बताया था कि ये चैप्टर इंटर के लिए और फाइनल के लिए दोनों एक साथ रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो इंटर के लिए तुम लोग का नेटवर्क कंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन आएगा, मतलब क्राइसिंग फ्लोट ये सब कंसेप्ट से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इंटर बच्चे तुम नेटवर्क तक अच्छे से पढ़ो, ठीक है, लेकिन फाइनल के बच्चों को क्राइसिंग एंड फ्लोट कैलकुलेशन डेफिनेटली पढ़ना होगा, क्योंकि फाइनल बच्चे के लिए फ्लोट कैलकुलेशन और क्राइसिंग से क्वेश्चन आएगा। नेटवर्क तो डेफिनेटली देना पड़ेगा, क्योंकि नेटवर्क को यूज करके हम क्राइसिंग करेंगे, नेटवर्क को यूज करके हम फ्लोट कैलकुलेशन करेंगे, तो इसका मतलब पहले नेटवर्क हम बनाएंगे, फिर उसके बाद क्राइसिंग फ्लोट एक्सेट्रा ऐसे कैलकुलेशन करेंगे। तो चलो आज के क्लास को मैं यहीं पे ब्रेक कर रहा हूँ। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। अगले क्लास से हम शुरू करेंगे क्राइसिंग।